वो तो ये मान लो कि 20 का भी एवरेज मुश्किल से देती हो, बट इसका एवरेज ये बता। ये देख लो आदमी कैसा खुश हो रहा है। तो ये अपना कुछ बिल है गाड़ी का, 2,83,000 रुपए, 2,00,000। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल संदीप त्रिवेदी ब्लॉग्स। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं स्क्रैम्बलर की सर्विस कराने। हम कोटा से जयपुर आ चुके हैं और मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया जयपुर से कोटा जाने का और ना ही कोटा से जयपुर आने का। क्यों? क्योंकि यार हर बार देखो एक ही चीज़ देख के आप बोर हो जाओगे। और दूसरी बात, आज हम इस बार अपनी बाइक भी नहीं लाएँ। मैं वापस जा रहा हूँ गोवा अपने बर्थडे के टाइम पर। पिछले साल क्या है, मैं बर्थडे से एक दिन पहले गोवा से वापस आ गया था, पर इस बार हम लोग अपना बर्थडे वीक जो है पूरा और बर्थडे अपना गोवा में मनाएंगे। और अभी अपन जो है ना आगे की बात करते हैं काम की, वो सब बातें तो अभी बाद में होगी। इस बार भी गोवा ब्लॉग आएंगे, वो आप लोग जरूर देखना। अपन जा रहे हैं अभी आज स्पीड 400। जयेश भाई, हाँ, अरे भैया सर्विस करा लेना, इसकी टाइमिंग चेन आवाज करती है ना। अच्छा, नहीं कराने चल रहे, गाड़ी इसी की है, मुझे ऐसे जिल्लत दे रहा है जैसे ये मेरी गाड़ी है। तो अपन अभी चलते हैं इसको लेके सर्विस सेंटर और वहाँ पे चल के अपन आगे बातें करते हैं। चलते हैं गाइस अब सर्विस सेंटर की तरफ। यार मैंने गड़बड़ कर दी मेरी बाइक ना ला के। अभी मेरे फ्रेंड का थोड़ी देर पहले कॉल आया कि अपना संडे को राइड है बैरोड स्टारबक्स तक, वहाँ पे अपने दिल्ली के राइडर्स भी आ रहे हैं जिनसे अपना मीटअप था। और अब मेरे पास बाइक है नहीं, तो इसलिए मैं आज इसको भी सर्विस पे लेके जा रहा हूँ। मैं जयेश के लिए गाड़ी ले लूँगा, शायद हो सकता है उनके साथ मैं इसी बाइक से जाऊँ, या अरेंज कर सकते हैं अपन कोई सुपर बाइक जो कि उनके साथ कॉप अप कर सके, वरना इससे तो मैं रह जाऊँगा पीछे। हाँ नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट ये गाड़ी 120-140 तक बड़े आराम से चलती है। तो होप सो कोई बाइक मिल जानी तो ये है ही सही, अपन इससे चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर डायरेक्ट अपन लोग निकल जाएंगे गोवा, बहुत मज़ा आएगा। बाकी पिछली बार भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ज़्यादा कुछ अपन क्लियरली आप लोगों को दिखा नहीं सकते उस चीज़ में। गोवा में होता तो बहुत कुछ है, अब आप लोग समझ जाओ। बाकी अभी पहले फटाफट से पहले सर्विस सेंटर चलते हैं। इसकी टाइमिंग चेन का भी बोल रहा है ये कुछ कि भाई नई गाड़ी और ऐसा कुछ इशू तो होना नहीं चाहिए, और नॉर्मल जो बेसिक सर्विस है उससे 500 किलोमीटर ऊपर चला चुका है, 1,000 किलोमीटर से ऊपर। तो एक बार सर्विस करा लेते हैं इसके अपन। और एक छोटा सा काम हो रहा है, हेलमेट पॉइंट जाना है अपने को, जो कि इसको मैंने जो राइडिंग गियर दिलाए थे उसमें ये ऐसा कह रहा है कि इसके जो हेलमेट है वो एक साइज़ बड़ा है, ये चाह रहा है कि चेंज हो जाए। तो एक बार चलते हैं वहाँ पर भी, कोशिश करते हैं कि जो अपने वरुण भैया हैं जिन्होंने राजस्थान की सॉरी इंडिया की फर्स्ट बाइक ली है, अब उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, होंडा की है, ट्रांस कैल्प ऐसे कुछ करके है, तो एक बार उनसे भी मिल लेंगे अपन और रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई बाइक का हेलमेट चेंज हो सके तो देखते हैं क्या कहते हैं वो। पहले पहुंच जाते हैं। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं ट्रायम्फ के शोरूम के बहुत ही नज़दीक, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसकी फर्स्ट सर्विस की कॉस्टिंग क्या पड़ी है अपने को। और आज भाई की गाड़ी की RC और नंबर प्लेट भी आ जाएगी, वो भी आज अपन लगवा देंगे गाड़ी पे साथ ही। और इस भाई ने बताया कि अपने गाड़ी का एवरेज जो है वो 25-30 दे रही है बहुत ही आराम से, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि भाई 400 cc की बाइक है तो बहुत कम एवरेज दे रही है। जैसे अपने पास पहले 390 थी, वो तो ये मान लो कि 20 का भी एवरेज मुश्किल से देती हो, बट इसका एवरेज ये बता रहा है कि अच्छा है, क्योंकि इसके पास भी 390 थी इससे पहले और इसने थोड़े टाइम पहले बेच दी थी। तो सारा चिट्ठा बाहर आ जाएगा ट्रायम्फ की स्पीड 400 का कि क्या है क्या नहीं है इस बाइक का फर्स्ट सर्विस। और उसके बाद चलिए अभी जब पहुँचते अपन ये रहा इधर ट्रायम्फ का शोरूम में अपना पहुँच गए बस यू टर्न पर, और उसके बाद आगे की चीज़ें भी देखते हैं अपन आज क्या है क्या नहीं हुआ गाड़ी में। वैसे बेसिक जनरल सर्विस है, फर्स्ट सर्विस तो वही होती है जिसमें अपने बोल्ट वगैरह चेक कर लेते हैं, ये ऑयल वगैरह, फ़िल्टर क्लीन कर लिया, एयर फिल्टर क्लीन कर दिया, इसके अलावा तो मेजर कुछ होता नहीं है। और जैसा कि ये कुछ छोटा मोटा काम बता रहा है गाड़ी में अभी, वो भी देख लेते हैं। और मैं इसको एक चीज़ और कह रहा हूँ कि तू भाई एक काम कर, अपने टेल टाइडी बदलवा ले, जो कि इसकी लंबी आती है पीछे वाली, मैंने ऑलरेडी एक मंगा रखी थी डेटोना के लिए, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार रहने दूँ, क्योंकि उससे लुक क्या है बाइक का चेंज हो जाएगा, और मुझे वो जो लंबी वाली टेल टाइडी है ना अपनी डेटोना की, वो बहुत अच्छी लगती है। तो इस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ कि ना बदलवाऊँ और भाई को दे दूँ अगर इसका मन हो चेंज कराने का, तो जैसा भी इसको सही लगे एक बार इसको दिखा देंगे। तो ये आ गए हम अंदर सर्विस सेंटर पे। ओ बच गए, सुरंग में जा रहे हैं हम,
यहाँ में लगता और कोई भी है। अजय दीनानाथ चौहान जी, जयेश की नेक्स्ट बाइक का प्लान, इसकी ड्रीम बाइक क्या है इसमें? लूंगा भाई थोड़े दिन में। तुम यार बेंच से तो करो लाइक सब्सक्राइब। तब लूं है? तब तो मैं भी ले लूंगा यार। तो तू ये लेगा या वो लेगा? यार सिलेंडर के नीचे हाँ, और ये आर एस है। अच्छा, इसका बीएसपी भी ज्यादा है तो डेफिनेटली इसी का ट्राई करेगा। अच्छा हर्षित भाई, स्ट्रीट आर एस वाले क्या आपके पास? कौन सी भाई? ये वाली मैट ब्लैक में, मतलब ये आ गई। तो गाइज अभी अपनी स्पीड 400 की सर्विस हो चुकी है, वॉशिंग वगैरह हो गई, चेन ल्यूब हो गई। क्यों? अच्छा कर्जा क्यों हुआ? तो ये अपना कुछ बिल है गाड़ी का, 2,83,000 रुपये, 2,00,000 बोल रहा हूँ फर्स्ट सर्विस पे। और अपने लेबर चार्ज वगैरह फ्री था, गाड़ी की जो क्लीनिंग वगैरह हुई है, ल्यूब वगैरह हुई है, और इसके जो चेकिंग हुई है, ऑयल वगैरह चेंज हुई है, उसके चार्जेस लगाए बस भैया ने। ये देख लो आदमी कैसा खुश हो रहा है। और ये हमारी डेटोना है जो उसकी कोई पुरानी गाड़ी की टंकी रखी हुई है। स्ट्रीट की लाइटें हैं, येलो व्हील। अभी कोई नहीं, अब चलते हैं वापस घर। चल फटाफट अब घर चलते हैं, पहले हो सकता है मैं परसों तेरी गाड़ी लेके जाऊं। भाई एक राइड है वहां पर, ठीक है? तो ये पकड़ ले अब अपना बिल, संभाल कर रखना, मम्मी को दे देना है ना, पैसे ले लेना वापस। अब ऐसे करे तो अभी मैंने पैसे मुझे लेने वापस। तो गाइस अपन बाइक की सर्विस करा के ले आए हैं बाहर, और काफ़ी अच्छी भी चल रही है। चल तो पहले भी अच्छी रही थी, बस एक साइन था जो अपना यहाँ पे, जो कि जज कह रहा था पाने का साइन है, वो आ रहा है, वो हट चुका है। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। कल भाई से परमिशन तो ले ली है बाइक की, कि अगर मेरे पास बाइक नहीं हो पाती है रेंज तो तेरी बाइक लेके मैं जाऊँगा। तो भाई ने बोला है ले जाना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉप अप हो जाए अपना सुपर बाइक्स के साथ। उसे संडे को जाना है, मोस्ट प्रोबेबली मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं चला ही जाऊँ यार, क्योंकि काफ़ी टाइम से व्लॉग्स वगैरह भी नहीं बना पा रहा हूँ, और बिल्कुल भी वो नहीं रह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, अपडेटेड। और वैसे भी इसके बाद अभी 10 दिन के लिए तो गोवा निकल जाऊँगा, चाह रहा हूँ एक दो व्लॉग और बन जाए ताकि वहाँ के व्लॉग आए। फिर उसके बाद अपन को कोटा से वापस अपनी बाइक भी लानी है, और मन किया तो अपन टेल टाइडी जो अपन ने मंगा रखी है वो गाड़ी की अपन लगवा लेंगे, क्योंकि टेल टाइडी से भी लुक इनहांस होता है। और जो पीछे वाला साइड है बस थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अपने जो पानी वानी से निकलते तो छींटे ज़्यादा आते हैं, पर खैर अपनी गाड़ी के जो पीछे टेल टाइडी हो इतनी कुछ खास नहीं है कि जो छींटे बचा ले पानी के। तो अपन चेंज ही करा लेंगे, अपने एक दो दोस्तों ने करवाई है स्ट्रीट ट्रिपल में, तो उनकी भी गाड़ी बड़ी अच्छी लग रही है उस चीज़ से होने के बाद। और आज का अपना व्लॉग गाइस इतना ही था, छोटा सा स्वीट एंड सिंपल, अपनी स्पीड 400 की सर्विस का, जो कि मैंने आप लोगों को कॉस्टिंग बताई दी है गाड़ी की क्या पड़ी फर्स्ट सर्विस की कॉस्टिंग, और एवरेज वगैरह का मैंने आपको बताई दिया कि भाई बोल रहा था 25 से 30 का, जो कि नो डाउट ये भाई निकाल भी रहा है। मैंने खुद ने चेक कराया थोड़ा गाड़ी को, मैंने भी चलाया है 100-150 किलोमीटर, तो मैंने भी यूज़ करी है गाड़ी। तो मिलते हैं आप लोगों से गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड टेक केयर, बाय।